और हमारे रेफरी की टोली अशोक गुजराम सोरेन साथ में रुईदास अगुवाई में दोनों ही टीम को विधिवत तरीके से एंट्री कराते हुए आप सब को मैं बता दूं ये असली जंग खिताबी जंग लड़ा जाएगा मंटू झूला नेट झूला वर्सेस डेंजर जोन के बीच। अब कतारबद्ध होकर खड़े हो जाएंगे हमारे पिंटू द मैदान की ओर जाते हुए खिलाड़ियों से परिचय कराने हेतु हमारी इस अतिथियों की टोली में सम्मिलित है हमारे बहुत से अच्छी समाज से भी परमात ने पिंटू दत्ता जी साथ में हमारे आए हुए तमाम अतिथि जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है उन्हें भी मैं इस मंच की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे खिलाड़ी बंधु से परिचय कराते हुए यूट्यूबर भाई का कमाल का योगदान रहा है उन्हें भी मेरी ओर से धन्यवाद रहेगा। SWIFA यूट्यूबर चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरी ओर से यही अपील रहेगा। हमारे रेफरी की टोली में जो सम्मिलित है उनका भी विशेष धन्यवाद रहेगा इस मंच की ओर से गुजराम सोरेन जी का अनोखा योगदान रहा अशोक संजीव रंजीत सरदार साथ में रानी रविदास जी हाँ रानी रविदास जी का अनोखा योगदान रहा इस पूरे टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए कमाल का रेफरी सभी शुरुआती केक हमारे पिंटूदा की ओर से इस महा आयोजन का शुरुआती किक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये फाइनल मैच का आगाज हुआ इसी किक के साथ आप सबका सुपरिचित परमादरणीय पिंटू दत्ता जी का फोटो अनुभव है अरुण सरकार सूची मेरे हाथ लग चुका है आप सबको मैं परिचय करा दूं दुखराम पूरी दरमदार रहेगा आज और इसी बीच सारे फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए हमारे दोनों खिलाड़ी टीमों के खिलाड़ी बंधु के साथ साथ हमारे रेफरी जबराम कमाल का खिलाड़ी CBSE का टूर्नामेंट याद हुआ होगा सभी दर्शकों को जिस तरह से आपने कहर ढाया था CBSE टूर्नामेंट में क्या आज वो कहर ढा पाएगा ये है जबराम पप्पा सभी धुरंधर को उतारा है हाटू झूला नेट झूला भले नाम अजीब सा हो लेकिन खिलाड़ी कमाल का है ताला मुर्मू किसी परिचय का मोहताज नहीं एक एक खिलाड़ी चुन चुन कर दिया है गंगाराम ताला मुर्मू पप्पा जमाराम जैसे धुरंधर कृष्णा यह है पूरी हाटू झूला नेट झूला की लेखा जोखा टीम अंतिम मुकाबला के भूमिका रेफरी की भूमिका में रानी रविदास कमाल का रेफरी आज का दुनिया में एक उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा जितने भी तारीफ की जाए कम है रानी रविदास की अहम भूमिका रहा है भले पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैं उनका नाम लेने में अछूत रहा था वंचित रहा था इसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी है जंग छेड़ चुका है फाइनल महामुकाबला का खिताबी जंग का डेंजर जोन वर्सेस हाटू छुला नेट छुला के बीच पहला अटैक डेंजर जोन की ओर से क्रॉस के लिए जाना चाहेंगे बैकवर्ड पास किया यहां पर पलटू के लिए गेंद खेला किस नंबर पलटू यहां पर मिसटाइम कर बैठे जोरदार प्रहार डिफेंडर की ओर से क्लियरेंस ऑफ जाता हुआ 14 नंबर के कंधों पर थोपा है जिम्मेवारी बिल्कुल लापतुला शॉट अनोखा शॉट गोलकीपर का पंच आया इसी के साथ मैदान से बाहर थ्रो इन के लिए जाएंगे गंगाराम थोड़ा सा धीमी शुरुआत यहां पर घातक खिलाड़ी ताला मुर्मू की उपस्थिति है शक्ति प्रदान करने का भरपूर प्रयास क्रॉस के लिए मौके तलाशते हुए यहां पर कोई मौका नहीं पलटू के पैरों में गेंद एंड वक्त पे जाके डिफेंडर की क्लियरेंस कमाल का खेल चलता हुआ इस नए डबेले मैदान पर थोड़ी सी फिजिकल कांटेक्ट वहां पर दे हुए रेफरी की जगत पे एक उभरता हुआ सितारा रानी रविदास के नाम लंबा सेट 30 हेडर के जरिए नेट में डालने का प्रयास किया था असफल प्रयास इस बार राइट विंग में धकेला है गेंद को मिडफील्ड की गोविंद सिंह मौजूद अपने पैरों में अनोखा स्किल दिखाते हुए गेंद को खींचा है लंबे समय व्यक्त व्यतीत करते हुए मिस टाइम कर बैठे थोड़ी सी अपील उस अपील पर आवाज दिया है रानी रविदास डेंजर जोन
पलटू के लिए धकेला था गेंद को, परंतु पलटू सब कुछ देखते रह गए, चूंकि जानते थे मेरे बस की बात नहीं है गेंद तक पहुंचना, इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आया उनकी ओर से। हेडर पलटू का 8 नंबर साथी ढूंढने में सफल हुआ है इस बार, 2 नंबर के लिए धकेला गेंद को लेफ्ट विंग की ओर, लंबा पास टारगेट किया था, दिशाहीन ऑफ टारगेट शॉट कहा जाएगा। जल्दबाजी दिखाते हुए गोल की गंगाराम गेंद के साथ देखना होगा, सटीक तरीके से रिलीज नहीं हुआ गेंद गंगाराम के पैरों से। मैदान के पूर्वी छोर से आक्रमण कर रहे हैं हाटू झूला डेंट झूला की टीम है, और पश्चिमी छोर पे सामना कर रहे हैं। लेफ्ट विंग में गेंद को भेजा है खिलाड़ी, अच्छी कलेक्शन कमाल का, रिसीविंग साथी की तलाश, हालांकि सटीक जगह पर गेंद को रखने में असफल रहा इस बार। इसका लाभ मिला डेंजर जोन को खिलाड़ी को, पलटू को टारगेट किया है ढूंढ निकालने के प्रयास, परंतु पलटू थोड़ी सी थकान का शिकार होते हुए इस बार समय से खेल रहे हैं, शारीरिक थकान साफ झलकता हुआ। करारा जवाब देने की फिराक में इस बार आटू जिला ताला का रिसीविंग, 7 नंबर गंगाराम, गंगाराम के पैरों में गेंद, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट विंग में धकेला है गेंद को, साथी ढूंढने में सफल हो चला, काउंटर अटैक की रथ पर सवार होने की फिराक में, हालांकि बाद में इरादा बदला, हेडर आया डिफेंडर की। अब धीरे धीरे सभी खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन पर लौटते हुए, 15 नंबर और 14 नंबर के अनोखा तालमेल, 1-1 पास, फिर से बैकवर्ड पास किया यहां पर डिफेंडर के लिए, डिफेंडर अब लंबा क्लियरेंस के लिए जाना चाहेंगे, मौके की तलाश, जी हां बिल्कुल सही, लंबा क्लियरेंस, छोटा मैदान है, मैं शुरुआती क्षण में जिक्र कर चुका हूं, ये मैदान की अगर एरिया की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है, इसीलिए खिलाड़ियों की संख्या, गंगाराम को ढूंढ निकाला है इस बार, देखना होगा क्या कमाल कर पाएंगे गंगाराम, मिडफील्ड से गेंद को निकालने का प्रयास, लेफ्ट विंग के लिए धकेलेगा या फिर काउंटर अटैक के लिए जाना चाहेगा, देखना होगा उसकी गेंद को दिशा देने के प्रयास, यहां पर डिफेंडर की अपील के साथ किस हद तक लाभ उठा पाएंगे देखना होगा, हल्के से पुश किया, अब जाके क्लियरेंस है, पलटू गेंद के पास झिटके दे, लेकिन झिटका गेंद उसके पैरों से, खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते, नहीं सकते, उनकी तीखी निगाहें हर एक क्षण हर एक पल हर एक स्थिति और परिस्थिति पर गाड़ी रखते हैं, यही उनकी खासियत है। ये है हमारे रवि रानी रविदास रोहिदास रविदास, एक रानी रविदास की जो रेफरी के जगत में पदार्पण एक अनोखा मिसाल है, इस क्षेत्र का एक उदाहरण के रूप में सिद्ध हुए हैं। गंगाराम का क्लियरेंस आता हुआ इस बार कुछ कमाल करना चाहेंगे, ताला मुर्मू टीम गेंद के साथ बिल्कुल डी एरिया के अंदर जद्दोजहद होता हुआ, इससे पहले कि कुछ कर जाते रेफरी का इशारा आया, कुल मिलाकर मौके गवा चुका है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव इस मैच का, इस अंतिम महामुकाबला का, खिताबी जंग का। बीच बीच में मैं बताते चलूं, हमारे यूट्यूबर HWFA यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उनकी कड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचाने का एक मौका की तलाश में, मौका मिल चुका है पर गवा भी चुका है। गंगाराम गेंद के साथ जिस रूप के लिए जाने जाते हैं अभी तक वो कहर देखने को मिला नहीं गंगाराम के द्वारा, ताला मुर्मू जैसे खिलाड़ी की उपस्थिति है, टीम को मजबूती देने का भरपूर प्रयास किया है, परंतु वो शक्ति अभी तक नहीं देखने को मिला, हालांकि एक पेनल्टी शॉट आउट की तैयारी, थोड़ी सी आउट स्विंग गेंद हेडर आया, इस वक्त रेफरी का कुछ इशारा, ताला मुर्मू दिशाहीन ऑफ टारगेट शूटिंग, इस तरह का शूटिंग नहीं निकालता उनके पैरों से। फिलहाल खेल गोल के साथ शुरू हो चुका है, 11 नंबर को पकड़ने की प्रयास यहां पर, रेफरी की बॉडी लैंग्वेज लाजवाब, कमाल का बॉडी लैंग्वेज,
उस स्थल उस स्पॉट तक तुरंत चंद मिनट में पहुंच जाते हैं। उनकी खासियत है, कमाल है उनकी। अब कौन बचाएगा, अब क्या होगा, नतीजा किसके पक्ष में आएगा, बहुत सारा सवाल हमारे दर्शकों का दिलो दिमाग पर ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, इंतजार कीजिए वक्त का। हमेशा की तरह गोविंद, पलटू और जयपाल, कुछ रणनीति के तहत डिजाइन शॉट, कोई लाभ नहीं मिला, कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, दोनों ही गवा चुका है। देखना होगा इसका भरपाई किस तरह से कौन सी टीम कर पाएगा। लेफ्ट विंग से तेजी के साथ आगे बढ़ने की प्रयास, अच्छी तालमेल रोकने की प्रयास, हालांकि असफल प्रयास का, टच लाइन को स्पर्श कर चुका था, थ्रो इन मिला। आठ नंबर मिडफील्ड से निकाला है गेंद को लेफ्ट विंग की ओर, लंबा पास ढूंढ निकाला है साथी को, डेंजर जोन की अगर बात करें गोविंद सिंह को ढूंढ निकाला इस बार, तेज गति से बढ़ने का प्रयास सफल नहीं हुए, थ्रो इन के लिए जाना पड़ा। हाटू झूला नेट झूला के खिलाड़ी के द्वारा गंगाराम को ढूंढ निकाला इस बार, मिडफील्ड को ताला को ढूंढने के बाद फिर से गंगाराम को वापस भेजा, अब जाके कुछ कमाल कर दिखाने का प्रयास, परंतु सफल नहीं हुए। कभी डेंजर जोन हावी हो रहे हैं तो कभी नेट झूला हाटू झूला की टीम हावी हो रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, जिसे हारना पसंद नहीं है, हार हमें स्वीकार नहीं है, यही कुछ कहानी बयां करते हुए दोनों टीमों की ओर से, परंतु दोनों ही टीमों में से किसी एक को तो इस कड़वी सच को स्वीकार करना बाध्य होगा। देखा और किसके पाले में जाएगा जीत, परंतु यह भी सच है, यह फुटबॉल की रीत। पलटू इस बार मिस टाइम हुए, 15 नंबर गेंद के साथ अच्छी तालमेल पर गवाते हुए मौके को, थ्रो इन, अंतिम पल अंतिम क्षण इस मैच का, फिर से एक बार इस अंतिम पड़ाव पर सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे रेफरी मंडली को, दर्शक मित्रों को, साथ साथ यूट्यूबर भाई को, इस नए नवेले टूर्नामेंट को जो आपने सराहा है, इसके लिए निस्संदेह आप धन्यवाद के पात्र है। पांच नंबर के पास मौका बन सकता है, परंतु उतना आसान नहीं रहेगा, यह अंतिम गोल किक साबित हो सकता है, हमें इंतजार रहेगा। पलटू गेंद के साथ रोकने में सफल हुए, अंदर रखा गेंद को, जोरदार प्रहार, ताकतवर प्रहार, अपने फिजूल का शक्ति का इस्तेमाल, इससे साफ अंदाजा लगा जा सकता है कभी भी अंतिम सीटी बच सकती है। इसी के साथ हल्के मुस्कान के साथ इशारा किया, आप इस तरह से पुश नहीं कर सकते हैं, ये उनकी निराला अंदाज है, रानी रविदास की, फुटबॉल की जगत के इस रूरल क्षेत्र में एक मिसाल कायम किया है रानी रविदास आपने इस रेफरी की जगत के पदार्पण के साथ ही। फिर से एक बार 10 नंबर इस पर लपके हैं गेंद के ऊपर, अच्छा तालमेल, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक, गंगाराम को ढूंढने की प्रयास यहां पर, अच्छा हेडर, फिर से एक बार चेस्ट डाउन गंगाराम का, आठ नंबर का अनोखा स्किल सभी खिलाड़ी को चकमा देते हुए, खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे दर्शकों का उत्साह चरम सीमा पर, यह अंतिम मौका साबित हो सकता है, जी हां, क्रॉस के लिए जाना चाहते थे, क्रॉस भी हो चुका है, मौका साबित हो सकता है पर गवा चुका है। गोलकीपर की चतुराई, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला यहां पर, जैसे जैसे अंतिम पल तक पहुंचता हुआ मैं तो रोमांच स्थिति पर लौटता हुआ, गंगाराम इस बार तेज गति देने का प्रयास, मौका है अभी, मिस टाइम हुआ डिफेंडर, 10 नंबर के पास मौका, 11 नंबर अब जाके सफलता का साथ चूमने में, सफलता अर्जित किया है, ये कमाल का परफॉर्मेंस किया है, देखने लायक, अनोखा, गोलकीपर को बीट किया, डिफेंडर को बीट किया और नेट को स्पर्श कराया, 1-0 की बढ़त दिलाया, ये है हाटू झूला नेट झूला की कमाल।
गति देने का प्रयास, मौका है अभी, मिस टाइम हुआ डिफेंडर 10 नंबर के पास मौका। यह अंतिम पड़ाव, अंतिम क्षण पर जो घाव दिया है, बार किया है डेंजर जोन को, काबिले तारीफ। देखना होगा वापस कर पाएंगे, वापसी कर पाएंगे, पलटवार कर। खेल शुरुआत हो चुका है फिर से एक बार 1-0 की बढ़त के साथ। गंगाराम क्या अनोखा सृष्टि, पप्पा की पैरों से निकला यह अचूक बाण, नेट को स्पर्श किया और 1-0 की बढ़त दिलाया। ये कमाल का परफॉर्मेंस हुआ एंड वक्त पे जाके। तभी से संघर्ष करते आ रहे थे, कड़ी चुनौती स्वीकार किया डेंजर जोन के समक्ष, अंतिम में जाके एंड वक्त में सफलता अर्जित किया। कमाल का परफॉर्मेंस पप्पा, वो खिलाड़ी कमाल कर दिखाया आज। गंगाराम का अनोखा असिस्ट, डिफेंडर बीट हुई है, गोलकीपर बीट हुई है, नेट को स्पर्श किया। फिर से एक बार साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ इस बार देखना होगा, परंतु इस बार चूके चकमा देने की प्रयास किया था डिफेंडर को, पर इस बार असफल हुआ। नतीजा तक पहुंच चुका है, परंतु इसको बरकरार रखना होगा अगर विजय के ताज पहनना हो इस टूर्नामेंट का। जमाराम पप्पा ताला, एक फुटबॉल की जगत में जाना पहचाना नाम, कमाल का शूटिंग देखने को मिला, सभी दर्शकों का दिल तमन्ना लिए बैठे हुए थे इस कड़ाके के ठंड में इसी दृश्य और परिदृश्य को देखने के लिए। फिर से एक बार मौका, परंतु इस बार स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए बस ये अचूक बाण निकला कि हमें परास्त का स्वाद चखने के लिए मजबूर करते हुए। हालांकि अभी भी पहले कुछ भी कहना असफल हो सकता है, सटीक नहीं होगा, महान अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो, एंड वक्त पर इंतजार करना होगा, तब जाकर के हम नतीजे तक पहुंच सकते हैं और अंतिम निर्णय सुना सकते हैं। गंगाराम को ढूंढने में सफल, मिडफील्ड की ओर धकेलाया गेंद को, 10 नंबर इस बार देखना होगा, अनोखा स्किल है उनके पास, यह है जमाराम। आज का डेट में एक अनोखा धुरंधर खिलाड़ी के रूप में उभरा है, गुरमा के टूर्नामेंट में भी कमाल का परफॉर्मेंस आया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अर्जित किया। जयपाल का क्लियरेंस, धीरे धीरे अंतिम पड़ा, और इसी के साथ समाप्ति का घोषणा। बहुत बहुत बधाई हमारे हाटू चूला नेट झूला को, 1-0 के बढ़त के साथ करारे मात दी है डेंजर जोन को और विजय का ताज पहनने के लिए सफलता अर्जित किया है। दोनों टीमों के कप्तान सीधे हमारे मैदान की ओर कमेंट्री बॉक्स की ओर रुक करेंगे।